व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल आर यू? कुकिंग नहीं आती? अबे लड़कियों की जगह ना चूल्हे में हो वे, चूल्हे में। जब तक अपने हस्बैंड को अपने हाथ से दो रोटी नहीं खिलाएगी ना, वाइफ बनने लायक नहीं है तू। पता है लाडो, मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। क्या ऊपर के डायलॉग्स को सुन के कुछ अजीब सा लगा? गुस्सा आया? क्यों लड़की ही क्यों? क्या ऊपर वाले ने इंसान बनाते वक्त कोई मैनुअल लिख के भेजा था जिसमें ये लिखा था कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है? सो आज का एपिसोड इन सभी बातों पर है। ऑफ स्पिन मीडिया फ्रेंड्स प्रेजेंट्स लेडीज होके एन ऑफ स्पिन ओरिजिनल होस्टेड बाय साक्षी शर्मा। हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन शो लेडीज होके हां, और मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी। कैसे हैं आप सब? मैं तो मस्त हूँ, जस्ट अभी खाना फिनिश करके आई हूँ। खाने में तो बहुत मज़ा आता है मुझे, फूडी हूँ ना बहुत बड़ी, पर कोई पका दे तो मज़ा दुगना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, पर कुकिंग करने में उतना मज़ा नहीं आता। मैं मानती हूँ कि कुकिंग एक लाइफ सेविंग स्किल है, पर ये बात मर्द हो या स्त्री दोनों पर ही अप्लाई होती है। कुकिंग एक आर्ट है और ऑफकोर्स ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो बड़े बड़े होटल्स के अधिकतर शेफ मेल नहीं होते, पर फिर भी घर में खाना बनाने के लिए तो महिलाएं होनी ही चाहिए। इनफैक्ट खाना बनाना आना उनकी शादी के लिए डील मेकर या ब्रेकर होता है। आइए सुनते हैं नीमा भट्ट जी से, जो कि खुद एक होम मेकर है और मैरिज फिक्स करवाने में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। दो चीज तो लड़कियों ने अगर पूछा तो फिर शादी वहीं ठप्प हुई। पूछते है ना अगर सैलरी, और वो पूछ देना साक्षी कि तुमको खाना बनाने आता है सैलरी, अरे अभी से तनख्वाह पूछ रही है आगे क्या करेगी, कह देते हैं। बड़ी अजीब बात है ना ये, लड़का पूछे तो सब ओके, पर अगर लड़की पूछे तो ओ माय गॉड, ये पूछ कैसे लिया लड़की ने। पर आज भी जहाँ प्रोफेशनल शेफ की बात की जाए तो ये फील्ड भी मेल प्रीडोमिनेटेड है रे। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 2016, 80-90% शेफ्स इन इंडिया आर मेल। तो क्या कारण है कि जब हम प्रोफेशनल कुकिंग की बात करते हैं तो 80% मेल्स को इस फील्ड में देखते हैं, पर होम कुकिंग की बात में ऑपोजिट सिचुएशन। आइए समझते हैं शेफ अनन्या बनर्जी से। होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग, वो लड़का लड़की सब लोग जाके ट्रेनिंग के लिए भर्ती होते हैं, बट नॉर्मली देखा जाता है कि प्रोपेंसिटी जो होता है, प्रोपेंसिटी हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस, इसका ही रोल ज्यादातर लड़की चूज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल टेंडेंसी। एक तो किचन एनवायरमेंट क्या है, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग नहीं है एक वुमन के लिए। पर प्रोफेशनल कुकिंग की बात करें तो लड़कियों के लिए इनिशियल ईयर्स में चैलेंजेस तो होते ही हैं। सुनिए शेफ अनन्या क्या कहना चाहती हैं इस बारे में। यस, शुरुआत में बहुत दिक्कत थोड़ा आता ही है, थोड़ा चैलेंजिंग हो ही जाता है। एक तो किचन का जो लिंगो है, द लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अभी खैर मैं कोई भी किचन में जाती हूँ, कोई भी कौन सा भी लैंग्वेज, बहुत अच्छा लैंग्वेज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शुरू शुरू में इसका एक डिफरेंस था। इस एक्सपीरियंस को आइए थोड़ा इलैबोरेट वे में समझते हैं फ्रॉम होम शेफ अरुणिमा। शी इज अ फिल्म मेकर विद सम एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल किचन। Many professional kitchens start early but end late. Standard problem of transport exists. And also, chef culture encourages a cutthroat boys club environment that takes pride in taking no time off work, not sleeping, living at your job. This is not possible for most adult women with families. And the last point which I want to mention is, in a male-dominated kitchen, the workplace is aggressive and abusive. You feel uncomfortable with this level of abuse because most abusers deal with women's genitalia and it can feel personal. Thought stirring. मैंने नहीं सोचा था behind the professional kitchen, cooking के अलावा women के लिए इतने सारे challenges होंगे। हाँ, वैसे challenges तो है, इसीलिए शायद सब बोल देते हैं कि तुम घर में ही रहकर खाना बनाओ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल के ऊपर आ जाती है। अब जब घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी केवल फीमेल के कंधों पर रहेगी और कोई लोड शेयर ही नहीं करेगा, तो वो बाहर निकलकर प्रोफेशनल शेफ कैसे बनेगी?
प्रोफेशनल शेफ छोड़िए, कोई भी प्रोफेशन कैसे परस्यू करेगी, घरेलू कुक बन के ही रह जाएगी ना। खैर, हम तो उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनको कुकिंग नहीं आती। आप लोग ये तो बताते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, पर उन औरतों का क्या जो हर रोज खाना बनाती है और फिर उनके बनाए खाने को नॉट अप टू द मार्क का लेबल लगाने में लोग नहीं चूकते। कुछ लोग तो खाना छोड़ के उठ जाते हैं, दिस इज सो इनसेंसिटिव एंड इंसल्टिंग। और कुछ लोग तो खाने में नमक कम हो जाए तो लड़ झगड़ लेते हैं। तब क्या आप सोचते हैं कि एक औरत के दिल का रास्ता कहां से होके गुजरता है? खैर, और पहेलियों में ना उलझाते हुए मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि एक औरत के दिल का रास्ता गुजरता है शॉपिंग समझ रहे हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो रास्ता गुजरता है सम्मान की, केयर की और संवेदनाओं की गलियों से। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। हाँ, कितनी सारी फीमेल्स हैं जो घर में खाना बनाती थी, आज वो सोशल मीडिया पर फूड ब्लॉगर बन चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़कियां अपने होने वाले पार्टनर से ये भी पूछने में नहीं हिचकती कि क्या उन्हें खाना बनाना आता है। आइए सुनते हैं तनुश्री से, हु इज वर्किंग इन US सिंस लास्ट 5 years। मैंने तो शादी के पहले से ही क्लियर कर रखा था कि मेरा जो पार्टनर होगा उसको भी कुकिंग आनी चाहिए, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द US एंड आई हैड प्लान्स टू कंटिन्यू देयर, एंड यहाँ पे हाउस हेल्प इज नॉट सो रेडिली अवेलेबल, सो सारा काम अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी यार। सो आई हैड दिस क्लियर इन माइंड एंड वी हैड टू, मतलब आई वॉन्टेड अ पार्टनर हु विल शेयर द लोड टू मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़कियों को ये जान के कि उनके पार्टनर को भी खाना बनाना आता है उतना ही रिलैक्स फील होता है जितना मेल्स को। सच्ची अगर देखा जाए तो सदियों से यही चला आ रहा है कि महिला ही खाना बनाती है। अगर हम इतिहास में घुस जाएं तो पता चलेगा कि अर्ली मैन यूजुअली हंटिंग पर जाते थे और महिलाएं घर पर रहकर ही बच्चों का ध्यान रखती और खाना भी बनाती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शिकार नहीं कर सकती, अपने और अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो शेर से भी लड़ सकती है। और आज तो हालात लिटरली ऐसी है, मेल्स और फीमेल्स दोनों वर्किंग हैं, दोनों बार शिकार पर जाते हैं, काम पे जाते हैं, दोनों मिलकर बच्चे भी पालते हैं। इनफैक्ट कई अंडरस्टैंडिंग मेल्स अपनी वाइफ को ओवरबर्डन ना करते हुए खाना बनाने में भी उनकी मदद करते हैं। बात केवल खाना बनाने की नहीं है, क्योंकि खाना बनाना बेसिक है और सबको आना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, लाइफ सेविंग स्किल है ये। पर परेशानी इस बात से है कि हमारी प्यारी सोसाइटी समझती है कि हर लड़की को खाना बनाने में मजा आना चाहिए। अब ये तो थोपने वाली बात हुई ना। सदियों से कई ऐसी वुमेन हैं जो खाना हर दिन बनाती हैं पर इतना एंजॉय नहीं करती उस प्रोसेस को, तो क्या ये उनकी चॉइस नहीं हो सकती? हम जानते हैं कि आपकी माँ के हाथ में जादू है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ्स को एटलीस्ट उनके लेवल का खाना बनाना आना चाहिए। पर एक बात बताऊं, हम लड़कियों ने भी अपने माँ के हाथ का खाना खाया है और हमको भी वो बेस्ट लगता है। अब जो हमको बेस्ट लगता है और बचपन से खाया है वैसे ही खाना बनाएंगे ना। हाँ, वो रहते रहते सास से उनका स्टाइल भी सीख जाएंगे, पर इतना प्रेशर तो मत डालो ना। अब लड़कियां थोड़ी ना अपने पतियों से कहेंगी कि तुम मेरी माँ के हाथ का जैसा खाना बना के मुझको खिलाओ। कम ऑन गाइस, आई नो आप लोगों को ये सब सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि अच्छी लड़कियां, संस्कारी लड़कियां ऐसी बातें थोड़ी करती है। अपनी मन की बात खुलकर शेयर कर देना, पर मैं बुरी सही, इट्स ओके। मैं खाना बनाना चाहे जानती हूँ और नहीं भी जानती तो क्या, यूट्यूब वीडियोस कब काम आएंगे? पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब प्याज काटते हुए मेरी आंखें नम हो जाए तो तुम एक टिश्यू पेपर मुझे पकड़ा दो और कह दो आलू मैं काट लूंगा। कुकिंग का सच में कोई जेंडर नहीं है और ये एसेंशियल स्किल है जो मेल हो या फीमेल सबको आनी चाहिए। बाकी कुक्स कब काम आएंगे, उनको भी काम देना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भर भारत में मेल्स हो या फीमेल्स, सब खाना बनाना जाने, इस चीज को कैसे बदल सकते हैं, आइए समझते हैं ज्योत्सना पांडे जी से, जो कि एक होममेकर हैं। तो महिलाओं के प्रति यही है और ये 100 साल तक होने वाले, ये मतलब कभी नहीं बदलेगा, चाहे कितना पुरुष कुछ कितना पढ़ा लिखा हो जाए, कितना वो हो जाए, अंदर अंदर से भावनाएं सबकी
ऐसी ही रहेंगी, और बशर्ते माएं जब अपने बच्चों को का लालन पालन करती है, मतलब मेन बेटे का, तो माँ अगर ऐसा संस्कार डाले कि बेटा बेटी भी बराबर है, बहू भी बराबर है, बेटा भी बराबर है, बेटी है हमारी वो भी बराबर है, जितना काम वो करेगी उसका तुमने भी करना है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी भावनाएं नहीं होती, इतना ईगो नहीं होता लड़कों को कि हमें काम नहीं करना है। अब खाना बनाने में आनंद आए या ना आए वो अलग इशू है, बाकी सब्जी में एक्स्ट्रा नमक और मिर्ची डालना हमें भी आता है, क्योंकि आखिरकार हम लेडीज होकर खाना जो बनाती है। तो अगली बार कोई कहे ना तुम्हें लड़की होकर खाना नहीं बनाना आता, तो कह देना चुप। अगर आपके भी कुछ ऐसे मजेदार एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड शेयर योर थॉट्स। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_mediafriends, @soulfulsakshi एंड ऑल्सो @ladieshokehaw। You can also use #ladieshokehaw, that is LadieshokeHaaw. Don't forget to follow and share. Till then, bye-bye. See you all in the next podcast. आप सुन रहे थे Ladies Okay, Haw, an Offspin original. Written and hosted by Sakshi Sharma. Post-production by the Offspin team. Produced by Offspin Media Friends. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.